अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कृष्ण भगवान यहाँ हमारे घर में हमारी मदद करने के लिए? हाँ शंकर, जब जब अधर्म बढ़ जाता है कृष्ण भगवान एक रूप लेकर स्वयं आते हैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए, और जब स्वयं कृष्ण भगवान ने हमें राह दिखाई है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उसका पालन करना चाहिए। हमें घर वालों को बता देना चाहिए कि हम नाग नागिन हैं और इस सच के साथ उस मोहिनी को हराना चाहिए। हाँ बारू, लेकिन मैं ये बात कैसे बोल सकता हूँ? बबली सांपों से डरती है। बबली की यह हालत एक सांप के काटने की वजह से ही हुई है। यहां तक कि बाबूजी को ऐसा लगता है कि मां की डेथ भी एक सांप के काटने की वजह से हुई थी। हम नाग नागिन वो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे बारू, कभी नहीं। मुझे लगता है कि अभी हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। हम समझ सकते हैं शंकर, अभी हमारे पास हमारी नागमणि नहीं है ना, तो हमारी शक्तियां भी नहीं है। मगर आपकी नाग शक्तियां आपको मिल सकती हैं, और शंकर उन शक्तियों से आप मोहिनी को आसानी से हरा सकते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपनी नाग शक्तियां सक्रिय करता हूं। तुम लोगों को लगता है कि ये मामूली सी रेखा मुझे तुम्हारे आंसू लेने से रोक पाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं घर के बाहर रहकर भी तुम लोगों को मार सकती हूँ, रुला सकती हूँ। देखना चाहोगे कैसे? नाग और नागिन अपनी शक्ति कैसे प्राप्त करें? नाग नागिन की ताकत विश्व में सबसे शक्तिशाली ताकत है। महादेव के बहुत ही समीप होते हैं नाग नागिन। नाग नागिन साथ मिलकर विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं। यदि नाग नागिन की शक्ति उन्हें वापस चाहिए तो उन्हें उनकी शक्ति नागराज लोक से केवल नागराज ही दे सकते हैं। जिस नाग नागिन ने नागराज लोक की परीक्षण सुरंगें तय कर ली वो विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति से पर हो सकता है। मैं तो यही जगह लिखी है, लेकिन अंदर कैसे जाऊंगा?
सोच शंकर, कोशिश कर, बल बुद्धि सब लगा दे, तुझे यहां से निकलना ही होगा। पारो के लिए, अपने परिवार के लिए तू हार नहीं सकता। भोलेनाथ आपकी रक्षा करेंगे। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। जैसा है शायद ही किसी दरवाजे की चाबी हो। यहां से बाहर निकलने का कोई खुफिया दरवाजा। भोलेनाथ मदद करो। भोलेनाथ रास्ता दिखाओ। भोलेनाथ रास्ता दिखाओ। आखिर तुम आ गए।
है शंकर, मैं यहां अपनी नाग शक्ति वापस लेने आया हूं। चाबी है यह संदूक सिर्फ एक नाक से ही खुल सकता है। साबित करो और अपनी ताकत ले लो। ये हलाहल है। नागराज, आखिरी इम्तिहान है आज तक का। ये हलाहल है, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक विष भगवान शिव शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था सृष्टि के संरक्षण के लिए। तो मगर शिव के सच्चे भक्तों, तो इसे ग्रहण करो। मन में श्रद्धा सच्ची होगी तो तुम्हें ताकत मिलेगी, अन्यथा तुम भी एक मामूली इंसान की तरह इसके शिकार हो जाओगे। ग्रहण करो वत्स। जो कर ले, नहीं तुझे आंसू मिलेगा और ना ही हमारी नाम पड़ी मिलेगी। नागमणि भी मिलेगी और आंसू भी मिलेगा जब ये पूरा परिवार रोएगा अपने वारिस को मरता हुआ देख के। बारह बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। जैसे जैसे मिनट की सुई ऊपर जाएगी वैसे वैसे
इस रस्सी की पकड़ सख्त होती जाएगी। रंभा, मनोहर, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठो मनोहर, मनोहर उठो, मनोहर को कुछ हुआ ना। तुम्हारे बेटे का जहर तो तोड़ भी तुम्हारे बेटे के पास होगा ना। जिंदा करो मेरे पति को। तेरे पति को मेरे बेटे से लड़ने से पहले सोचना चाहिए था। और हाँ, हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। मरोगे, सबके सब मरोगे। चीची का इकलौता भाई है ये, किसी को नहीं छोड़ेंगी वो। अपनी जान की देख पाओगे तुम सब। मनमोहन ठीक हो सकता है रंभा, बचाओ इसे। मगर उसके जान के बदले पारो का पता बताओ, कहां है पारो? तेरे पति ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है, मोहिनी के भाई को मारने की कोशिश की है। अब तेरा पति मरेगा, तेरी आंखों के सामने मारूंगी मैं उसे। अच्छा वो वक्त रहते आ गए, अब दोनों को एक साथ मारूंगी। घबराओ मत पारो, कुछ नहीं होगा। मारू? अच्छा पारो तुम फैसला करो, पहले किसे मारू, तुम्हें मारू या तुम्हारी नाक को मारू? पहले कौन मरेगा इसका फैसला तू कर। देख देख पिंजड़े की तरह
तू मरेगी चुड़ैल, तू मरेगी। जी बोलना। मार दीजिए इसे, मत छोड़ना चुड़ैल को, मत छोड़ना। शंकर, क्या जरूरी है तुम्हारे लिए? मुझे मारना जरूरी है या अपनी नागिन को बचाना जरूरी है? ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। एक मिनट और बचा। हार गई तू चुड़ैल, देख हार गई तू। इस खेल को जीतने के लिए मुझे तुम दोनों से लड़ने की जरूरत नहीं है। पता कैसे? पारो बचो।
फिर से वही नजारा। सुहाने तुम्हारे हमारे गुजरे जमाने, आज नहीं तो जानोगे कल तुम, हम ही तुम्हारे प्यार पुराने, जग से छुपाएंगे प्रीत ना अब हम चाहे हो हम शंकर गगन छोड़ो, दूर जा, दूर जा, छोड़ दे रंबा, ओ छोड़, रंबा छोड़, छोड़ो दीदी, छोड़ो, 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 छोड़ो रंबा, गीता को छोड़ दो, नदियों में बोट लग रहा है, छोड़ दो ना बुआ को, रुक जाओ रंबा, ठीक हो दीदी, हाँ, ठीक है। तुम्हारा बदला ले लिया मैंने, इस घर के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। नहीं उरई बोल रही, क्या कह रही है गगन जी? अरे अम्मा, ये औरत झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे शंकर को। अरे हमारा शंकर मर चुका है, देखना चाहोगे? शंकर, 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 आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। शंकर, शंकर, बोले ना, रांग है, ऐसा नहीं हो सकता, रांग है, रांग है, रांग है, नहीं हो सकता। भोलेनाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे शंकर को हमसे दूर नहीं कर सकते, भोलेनाथ नहीं कर सकते। ए गौरी माँ, आप तो हमारा दर्द समझ सकती है ना, हम अपने पति के बिना कैसे रहेंगे, आप ऐसा मत होने दीजिए। और अगर आपने ऐसा किया ना, तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे, चले जाएंगे अपने शंकर के साथ, मर जाएंगे हम भी, और आपके नाग नागिन का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। अगर हमारे नाग नहीं तो उनकी नागिन भी नहीं रहेगी, मर जाएंगे हम। अब या तो आप हमें सावित्री की तरह एक मौका दीजिए अपने पति को दोबारा वापस पाने का, या हम मर जाएंगे।
शंकर। रुक जाइए। अब या तो आप हमें सावित्री की तरह एक मौका दीजिए अपने पति को दोबारा वापस पाने का, या हम मर जाएंगे। अब हमारे शंकर को अपने साथ नहीं लेके जा सकते। हमारे शंकर की जान लौटा दीजिए। पिछले जन्म का अनर्थ इस जन्म में खुद को नहीं दोहरा सकता। हमारे शंकर को हमें दे दीजिए, लौटा दीजिए हमारे शंकर को हमें। तुम्हारा दुखी होना उचित है, किंतु सबकी मृत्यु तय है, उसे बदला नहीं जा सकता। आप चाहे तो बदल सकते हैं। जो आपने सावित्री के लिए किया, हम वही गुहार लेकर आए हैं आपके पास। हमारे शंकर हमें दे दीजिए यमराज जी, हमारे पति वापस लौटा दीजिए, हमें लौटा दीजिए। हम मजबूर है पारो, ये काल का चक्र है, ये सिर्फ आगे बढ़ता है। पीछे मुड़ना या रुकना या फिर घटित को बदलना, यह मुमकिन नहीं है। शंकर, लौट जाओ पारो। नहीं, हम नहीं लौट सकते। हम अपने शंकर के बिना कहीं नहीं जाएंगे यमराज जी। या तो आप हमारे शंकर को हमें दे दीजिए, नहीं तो हमें भी अपने पति के संग ले चलिए हमें। शंकर का समय आ गया है, तुम्हारा नहीं। लौट जाओ। लौटेंगे तो अपने पति के साथ, वरना नहीं। लौट जाओ पारो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। रुक जाओ पारो। नहीं, हम अपने शंकर के साथ ही लौटेंगे, नहीं तुम किसी भी परीक्षा से नहीं डरेंगे। अभी भी समय है, लौट जाओ पारो। गलत कर रही हो तुम। गलत तो हमारे शंकर के साथ हुआ है। शंकर का समय आ चुका है, यही इस संसार का नियम है। तो नियम बदले भी जा सकते हैं। मौत का डर नहीं है तुम्हें? क्यों होगा यमराज जी, आपने ही कहा था ना कि अभी हमारा समय नहीं आया।
शंकर को वापस लाने का मतलब है समय में पीछे जाना। हम और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इसे पीछे ले जाना संभव नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा मत कहिए। हमें हमारे शंकर चाहिए। हमें हमारे शंकर लौटा दीजिए। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बस हमें हमारे शंकर लौटा दीजिए। मत कहिए ऐसा। आपको हमारी मदद करनी होगी अमराज जी। हम बहुत प्यार करते हैं अपने पति से। हम दोनों को अलग मत कीजिए, लौटा दीजिए हमें हमारे शंकर। शंकर के बिना हमारे जीवन के कोई मायने नहीं है अमराज जी। कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। हम तुम्हारे लिए बस एक कार्य कर सकते हैं। हम शंकर से तुम्हारी कुछ क्षण के लिए भेंट करवा सकते हैं। तुम आखिरी बार शंकर से मिल सकती हो। उसके पश्चात तुम हमारे मार्ग में बाधा नहीं डालोगी। नहीं, नहीं, हमें हमारे शंकर चाहिए जिंदा, हमेशा के लिए। हमें हमारे शंकर लौटा दीजिए। नहीं अमराज जी, लौटा दीजिए। यमराज जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे साथ हमारे शंकर को लेके नहीं जा सकते। नहीं जा सकते यमराज जी, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पारो, पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम। शंकर, पारो तुम्हें वापस जाना होगा। जन्म पे जन्म मरते रहेंगे। नहीं शंकर, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। तेरे प्यार में हम पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम। रहेंगे जन्म पे जन्म। मुझे जाना होगा, मेरा वक्त आ गया है। पारो, समझने की कोशिश करो। नहीं शंकर, नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अपनी पारों को छोड़ के नहीं जा सकते। आपने हमसे वादा किया था ना कि कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हर पल हमारे साथ रहेंगे। शंकर, शंकर जन्म जन्मों का साथ है, हमारा जन्म जन्मों का प्यार है। आप हमें अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, हम आपको नहीं जाने देंगे। और आपको जाना है ना तो हमें अपने साथ लेके चलिए, हम चलते हैं आपके साथ। शंकर, समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर शंकर नहीं तो पारों का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं शंकर, नहीं। तुम बहुत स्ट्रांग हो पारो, मैं जानता हूँ। अब तुम्हें अपना और हमारे परिवार का ख्याल रखना है। अगर तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें कठोर बनना होगा मेरे लिए, अपने परिवार के लिए। शंकर, संभालो खुद को पारो। बस एक आखिरी बार मुझे मुस्कुराकर अलविदा कह दो, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं सुकून से यहां से जा सकूंगा। शंकर,
एक बात बताइए हमें, हम पहली बार कब मिले थे, हम कहाँ मिले थे? अच्छा ये तो याद होगा ना कि पहली बार आपने हमारे मांग में सिंदूर कब भरा था, याद है ना? तो शंकर ये बताइए कि एक बार हमारे बीच में एक प्रतियोगिता हुई थी, हाँ वो किस बात पे हुई थी? ये तो अभी की बात है, आपको याद होगा। हम समझ गए, आप हमारे शंकर नहीं है। पारो तुम, हमने ठीक समझा, तुम हमारे शंकर नहीं हो। ये क्या हो गया है तुम्हें पारो, कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं तुम्हारा शंकर नहीं तो और कौन हूँ? मैं तुम्हारा शंकर ही हूँ पारो। आप यमराज जी के रचे एक भ्रम है, शंकर नहीं। यमराज जी आपको हमें सच्चाई दिखानी होगी, असलियत दिखानी होगी, ये भ्रम नहीं। हम जानते हैं ये हमारे शंकर नहीं है। हमारे शंकर हमें वापस चाहिए, लौटाइए उन्हें। कहाँ हैं आप? पारो तुम बहुत जिद्दी हो, ये तो मानना पड़ेगा, और बुद्धिमान भी। किंतु तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो शंकर वास्तव में तुम्हारा शंकर नहीं है, हमारा बनाया हुआ एक भ्रम है? क्योंकि अपने शंकर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वो अपनी पारो से ऐसा कभी नहीं कह सकते कि पारो मुझे अलविदा कह दो, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कभी नहीं। जब तक शंकर अपनी आंखों से अपनी पारो को, अपने परिवार को सुरक्षित नहीं देख लेते, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वो इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। आप जानते, अगर सच में हमारे शंकर यहां होते ना तो वो क्या कहते? वो हमें जाने के लिए कभी नहीं कहते, बजाय इसके वो हमारे साथ खड़े होते और आपसे विनती करते कि यमराज जी अपनी पारों की, अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए हमें जीवन दान दे दीजिए। ऐसे है हमारे शंकर, बहुत प्यार करते हैं वो अपने परिवार से। यमराज जी, शंकर के अलावा कोई नहीं बचा सकता परिवार को, इसीलिए आप हमारी बात मान लीजिए, हमें हमारे शंकर लौटा दीजिए, हमें हमारे पति लौटा दीजिए। यमराज जी, शंकर को वापस लाना मतलब समय में पीछे जाना। ये जो हमारे हाथ में काल चक्र है, हम स्वयं भी इसे पीछे नहीं ले जा सकते। ये तुम्हारे भगवान भोलेनाथ की शक्ति से चलता है। हम तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इसे पीछे ले जाना संभव नहीं है। हमारे लिए भोलेनाथ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारी नागमणी। हम अपनी नागमणी ला सकते हैं। यमराज जी, अगर हम वो ले आएंगे तो हमारे शंकर लौटा देंगे ना आप हमें, वो बच जाएंगे ना। हम तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हुए, हम तुम्हें एक अवसर और देते हैं। शंकर को यमलोक ले जाने में कुछ ही समय शेष है, अगर उससे पहले तुमने इस काल चक्र को मोड़कर सब कुछ बदल दिया तो तुम्हें तुम्हारा शंकर मिल सकता है, वरना शंकर की मृत्यु तय है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ पारो, इस मौके को गंवाना नहीं। यदि ये बीत गया
तो तुम्हें तुम्हारा शंकर कभी वापस नहीं मिलेगा। हम लेकर आएंगे, लेकर क्या? मोहिनी से अपनी नागमणि वापस लेनी होगी। सुनिए ना, हम वापस आएंगे, आपको ले जाने आएंगे। हम लौट कर आ रहे हैं शंकर। तुम्हारी जान बख्श कर चली जाऊंगी। जाऊंगी तो सही, लेकिन तुम सबको सबक सिखाने के बाद। अब मैं हूं सर्वशक्तिशाली, मुझसे ताकतवर और कोई नहीं। और तुम सबको मार के मैं शुरुआत करूंगी काली रात की रानी के शासन की। और इस बार मैं नाकामयाब नहीं होंगी, पता है क्यों? पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। इस बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा, तुम सारे मरोगे। आज तक तुम इंसान चुड़ैलों को जलाते आए हो, लेकिन आज तुम सब जलोगे। और तुम्हारी ये चीखें, ये मेरा सुकून बनेगी जब मैं तुम्हें चिल्लाते हुए देखूंगी, सुनूंगी। मैं चिल्लाऊं अभी नहीं। जैसे मेरा मनमोहन मरा, वैसे ही अब तुम सब मरोगे। कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। जला दीजिए इन्हें जीजी, मनमोहन की मौत का बदला लीजिए। कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक कर देंगे। चलिए चलिए जल्दी चलिए, सब ठीक हो जाएगा चाची। चलिए नीचे चलिए। जीजी 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 आप ठीक हो ना? मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे चेहरे में पापा कुछ हुआ है, पापा मेरे चेहरे को कुछ हुआ है। मुझे दिखाइए दिखाइए, हाथ उठाइए, केले से हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ क्या हुआ? मेरे चेहरे को बोलो। मैं सुंदर हूँ ना? हाँ अभी भी सुंदर हूँ ना। कुछ हुआ क्या? कुछ शीशा लेकर आओ ना। हाँ वो लाती हूँ। शीशा हम लेकर आए हैं।
ये देख, ये है तेरा असली चेहरा चुड़ैल। ये मैं नहीं हो सकती, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ ना, ये मैं नहीं हूँ ना उसे। ये सच नहीं, ये सच नहीं। यही सच है, तुम्हारा असली सच। कब तक छुपाओगी अपना असली चेहरा मोहिनी? इंसान हो या चुड़ैल, उसका असली चेहरा एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है, और आज तेरा असली चेहरा सबके सामने आ गया। बहुत गुरूर था ना तुझे अपने चेहरे पर, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी तूने इस चेहरे के लिए। देख, आज तेरी खूबसूरती ने ही तेरा साथ छोड़ दिया। अब क्या करेगी मोहिनी? सच से बहुत दूर, मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें, मैं कोई मामूली चुड़ैल नहीं, बहुत खास चुड़ैल हूँ, सबसे खास। और तुम्हारी नागमणि की शक्ति है, वो भी मेरे पास है। अमर हूँ मैं, और मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। तब जी, आपका चेहरा क्यों नहीं ठीक हुआ? पर और कितनी शक्तियां चाहिए आपको? नहीं होगा, क्योंकि ये चेहरा नागमणि की शक्ति से जला है, और इसे ठीक करने का केवल एक रास्ता है, वो है समय में पीछे जाना, जो नहीं हो सकता। इसलिए इस चेहरे को तू अपने पुराने बुरे कर्मों का फल समझ, और इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी रहे। इसका मतलब मैं आपसे ज्यादा अच्छी दिखूंगी जीजी? बकवास मत करो अपनी। और तुम ठीक है जीजी, जीजी देखिए क्या है ये? नहीं, क्या है ये? कुछ सच बोल क्या है ये? खिलौना, हाँ खिलौना है। बोल क्या है? चला की मत कर मुझसे, नहीं तो तेरे परिवार। नहीं, नहीं, बचाते। ये समय चक्र है, इससे समय में पीछे जाया जा सकता है। पर मोहिनी, तुम्हारे पास तो नागमणि है ना? हाँ, इसे बदले, इसे हमारे पास रहने। तुम्हारी नागमणि की शक्ति अभी कुछ नहीं कर पा रही मेरे चेहरे को ठीक करने के लिए। अगर पीछे जा सकते हैं समय में, तो समय को बदल सकते हैं, और अगर समय बदल दिया तो मैं अपना चेहरा ठीक कर सकती हूँ। नहीं नहीं, इसे हमें वापस कर दो। मोहिनी, इसका इस्तेमाल मत करो, रुक जाओ, हमारी बात तो सुनो। ये जो हमारे हाथ में काल चक्र है, भोलेनाथ की शक्ति से चलता है।
इस खेल को जीतने के लिए मुझे तुम दोनों से लड़ने की जरूरत नहीं है। पता कैसे? मारो बच्चो। शंकर, शंकर, शंकर को वापस लाने का मतलब है समय में पीछे जाना। तुमने इस काल चक्र को मोड़कर सब कुछ बदल दिया तो तुम्हें तुम्हारा शंकर मिल सकता है। शंकर, मारो, मारो, ये सब क्या था? हम समझाएंगे आपको, सब समझाएंगे। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ मारो, ठीक हूँ। हम जीत गए शंकर। तुम्हारी बदौलत। हमारी बदौलत। ये कैसे मुमकिन है? मेरी नाक पड़ी। अब इस खेल का अंत हम करेंगे। आखिर तुमने कर ही दिखाया पारो। अपने पति के प्राण मृत्यु के मुंह से छीन लाई तुम। किस्मत के धनी हो शंकर तुम, जो तुम्हें पारो जैसी जीवन साथी मिली। वर्षों पहले एक सावित्री मिली थी, तुम में बहुत झलक है उनकी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।